Please watch this video till the end, subscribe to my channel and also click on the bell. Bismillahirrahmanirrahim. Dosto, assalamu alaikum. जैसे कि हर शख्स अपने फोटो में खूबसूरत नजर आना चाहता है या जैसा कि आप अपनी सीवी में बढ़ चढ़ कर अपने आप को पेश करते हैं या हर शोबे में आपको टिप टॉप तरीके से सामने आना होता है, इसी तरह आप अपने वीजा कवरिंग लेटर को पूरी तरह सबूत के साथ अपने वीजे के लिए पेश करना होगा। इसमें कोई बात हरगिज ना लिखें जिसका आपके पास सबूत ना हो, क्योंकि ये वीजा ऑफिसर से आपकी डायरेक्ट मुलाकात नहीं होगी बल्कि आपके कवरिंग लेटर और वीजा केस से होगी। इस तरह आपको वीजा कवरिंग लेटर की बयानबाजी प्रोफेशनल तरीके से करनी होगी। आपका विजिट प्रोग्राम बामकसद होना चाहिए। वीजा एप्लीकेशन में आमतौर पर यह इम्प्रेशन दिया जाता है कि वीजा अप्लाई करने वाला अपने मुल्क में वापस नहीं जाएगा, लिहाजा आपने व्हाट टू लुक बैक इन योर कंट्री एंड व्हाट आर योर रिस्पांसिबिलिटी बैक होम को बयान करने से आपका वीजा केस बहुत मजबूत हो जाएगा और आप वीजा लेने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप एक दफा किसी वेस्टर्न वर्ल्ड का चक्कर लगाकर वापस आ जाते हैं तो आपको आइंदा वीजा लेने में वीजा ऑफिसर फराग दिली से काम लेगा। आप वीजा किसी समझदार कंसल्टेंट के मशवरा करने के बगैर अप्लाई ना करें, वरना एक दफा गलत इन्फॉर्मेशन चली गई तो आपका वीजा रिफ्यूज हो जाएगा और आपका बायोडाटा कंप्यूटर का हिस्सा बन जाएगा और आइंदा वीजा लेने में दुश्वारी हो सकती है। आप हमारी वीजा कवरिंग लेटर की वीडियो हनीमून टेम्पलेट 1 जरूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन से पॉइंट और कौन कौन से कागजात जरूरी हैं। अब हम चलते हैं वीजा कवरिंग लेटर की तरफ जो इंग्लिश में लिखा जा रहा है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल पर भी क्लिक करें ताकि आइंदा आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। हो सके तो हमारी वीडियो को शेयर और लाइक और डिसलाइक भी जरूर करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।
Please subscribe to my channel and also click on the bell.